एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे बड़े भैया, और जो कि आज के बजट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। तो ये देखिए, ये हैं हमारे बड़े भैया। नमस्कार सभी लोगों को। आज भारत के लिए 2021 का बजट थोड़ी देर में वित्त मंत्री पेश करने जा रही हैं, तो बजट के बाद उम्मीद है कि ये पूरा बजट सेशन ही हंगामेदार रहेगा। और बजट के बाद अगर आपको ये सुनने के लिए मिले कि बजट भारत विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूरों के विरुद्ध है, मध्यम वर्ग के लिए अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा, अंबानी अडानी का घर भर देगा, तो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी सरकार का ये बजट तमाम पैमानों पे आपके लिए खरा उतरेगा, आपकी बेहतरी के लिए ही है, भारत के बेहतरी के लिए है, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। और यही बजट जिस भी तरह का होगा, आप उम्मीद जरूर करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ये बजट लाया जा रहा है, क्योंकि जिस दौर से ये देश या दुनिया इस समय गुजर रही है, खास करके ये कोरोना की वजह से, तो उसके हिसाब से नई तरह से चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो मोदी सरकार उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रही, तो बजट पे ध्यान रखिए, अपने मतलब की चीज़ें उसमें ढूंढिए, आपके लिए क्या दिया गया है, और अगर कुछ नहीं भी मिलता है तब भी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि कलेक्टिव वे में जब आप अध्ययन करेंगे तो निकल के निचोड़ जो उसका सामने आएगा वो यही आएगा कि बेहतर भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए ये बजट लाया जा रहा है। और जिस तरह का एक ट्रेंड आजकल चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, खास करके रायसीना हिल्स से जो बाइट्स आती हैं मीडिया के कैमरे के जरिए, तो उसमें विरोध के नाम पे बस सरकार की नीतियों का विरोध करना है। नीतियां चाहे जिस भी तरह की हो, अच्छी हो तब भी विरोध करेंगे, बुरी हो तब भी विरोध करेंगे। तो उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल अभी उदाहरण आपके सामने किसान आंदोलन के रूप में चलता आ रहा है, तो खैर किसान आंदोलन पे ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसके बाद से अब किसानों का जो आंदोलन है वो शायद जनता के साथ उस रूप में अब कभी जुड़ नहीं पाएगा, तो उसकी विदाई लगभग अब तय हो ही चुकी है। और किसान दरअसल हम लोग ही हैं जो घरों में, अपने अपने घरों में बैठे हैं, बजट का भी आनंद ले रहे हैं और कृषि सुधारों के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, समर्थन भी करते जा रहे हैं। किसान वो नहीं है जो टैक्स पेयर का पैसा, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है, उसको ध्वस्त करे, उसको आग लगा दे, हमारे जवानों पे लाठी चलाएं, तलवार चलाएं, उन्हें गालियां दे, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो, तो किसान का ऐसा कभी चरित्र रहा नहीं है। तो गलती से भी, भूल से भी ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि जो आंदोलनकारी हैं वो किसान है, वो दरअसल किसान नहीं है, वो दरअसल कृषि क्षेत्र में लगे हुए ब्रोकर्स हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही है आज के समय में, क्योंकि अभी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश हो रही है कृषि कानूनों के जरिए, जितना ज़्यादा हो सके ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम जब आएगा तो बिचौलियों का बाजार बंद होगा, तो ये वही बिचौलिए हैं जिनका बाजार अभी तक फलता फूलता रहा है और अचानक से उस पर मोदी सरकार ने कैंची चलाई है, तो पीड़ा होगी, जाहिर तौर पर पीड़ा होगी। और संगठन के जरिए इस आंदोलन को मैनेज किया जा रहा है, किसी भी तरह से एक भीड़ दिखलाया जा रहा है, उपद्रव किया जा रहा है, तो विशेष ध्यान मत दीजिएगा। और बजट है, बेहतर भारत के लिए कामना करते रहिए, भविष्य वाकई उज्जवल होगा हमारे देश का, तो इसी एक कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आप क्या करते हैं? मैं दरअसल शिपिंग इंडस्ट्री में इंजीनियर के रैंक पे काम कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, और वो दुनिया थोड़ी अलग है, ज्यादातर समय जो है पर वो, है तो हम लोग किसान के बच्चे ही ना। हाँ, लेकिन
जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो तो किसान परिवार से ही है, तो एक समझ जरूर आती है और थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि किसानों के नाम पे इस देश में क्या क्या किया जा रहा है किसानों का हवाला देकर के। तो आखिर ये किसान कौन है जो कर रहे हैं? लाल किले पे जिन्होंने उपद्रव किया वो किसान नहीं थे, जिन्होंने पुलिस वालों पे लाठियां चलाई वो किसान नहीं थे, पत्थर चलाने वाले पुलिस वालों पे वो किसान नहीं थे। तो किसान था कौन? कौन था किसान जो आंदोलन कर रहा था? तो भ्रमित किया जा रहा है चीजों को। तो जो किसान है वो वास्तव में इन चीजों को समझ रहा है कि उसकी बेहतरी कहाँ है, कौन से कानून से है, कानून आने से है या नहीं आने से है। तो किसान जो है वो इसके समर्थन में है। आप अगर देखेंगे एक एक सर्वे आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अपने कस्बे में, अपने शहर में, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो उस सर्वे में जो निकल के आएगा वो करीब करीब यही निष्कर्ष उसका निकलेगा कि 80 से 85%, हो सकता है कहीं कहीं तो 90-95% भी जो किसान है, कृषक हैं, जो खेती से जुड़े हैं सीधे सीधे तरह से, हमारे जैसे नहीं कि बैकग्राउंड किसान का है, जैसे जो फैमिली मेंबर्स थे जो हमारे बड़े थे वो उनका जो पेशा था वो किसानी ही था, लेकिन हमारा पेशा चेंज हो गया लेकिन बैकग्राउंड वही। तो जो डायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं, जो खुद हल चला रहे हैं, फसल बो रहे हैं, तो उनसे जब आप बात करेंगे तो वो गदगद हैं इस कानून को लेकर के। तो इसलिए ये विरोध प्रदर्शनों का कोई उतना, हाँ, और लोग भ्रमित ना हो। हाँ, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, हाँ, और हम लोग सरकार के साथ क्योंकि हैं, दो सरकार जो भी करेगी वो अच्छा ही हाँ करेगी। और 2014 से लगातार इसी दिशा में राजनीति को ले जाया जा रहा है, जहाँ पे दिग्भ्रमित करने की स्थिति पैदा कर दी जा रही है। जैसे आप याद कीजिए 370, धारा 370 को लेकर के किस तरह का भ्रम फैलाया गया कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, देश का नाम क्या लेने हुआ? वाला कुछ भी कोई, तो नहीं हुआ, सब लेकिन आसानी से क्या हो हुआ? गया। आज आज आप देखो कश्मीर की जो जनता है, जम्मू और कश्मीर की जो जनता है, वही उसके खुल के समर्थन में है। पहली बार पंचायत के चुनाव वहां पे संपन्न हुए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो कानून का राज कायम करने की दिशा में काम हो रहा है, और जहां कहीं भी कानून का राज नहीं है वहां जब कानून का राज स्थापित करने की कोशिश होगी तो जाहिर है कीड़े कुल बुलाएंगे, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। बजट को एंजॉय कीजिए, भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं सभी लोगों को। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका।